हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हम जेरॉक्स DZ250 मशीन की सेकंड BTR कैसे क्लीन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट डोर को ओपन करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम हीट असेंबली या इसे फ्यूजर असेंबली भी कहते हैं, उसको ओपन करेंगे। उसके बाद आप ये देख रहे हैं ना, ये इसको सेकंड BTR कहते हैं, इसको हम आज क्लीन करने वाले हैं। तो सेकंड BTR क्यों क्लीन करते हैं? जब पेपर के बैक साइड ब्लैकनेस आती है उस टाइम हम सेकंड BTR को क्लीन करते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं ना, इस रोलर पे येलो येलो कलर आ रहा है ना, ये वाला। तो आज हम यहाँ पर सेकंड BTR के अंदर जो ब्लेड होता है उसे क्लीन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हैंडल है, ये वाला, इसको रिमूव करेंगे। इसके नीचे इस साइड दो स्क्रू होते हैं, क्या आप देख रहे हैं ना, इन दोनों स्क्रू को रिमूव करेंगे। उसके बाद इस हैंडल को, इस लॉक को रिमूव करेंगे। उसके बाद ये जो प्लास्टिक की स्ट्रिप देख रहे हैं ना पूरी, इसमें तीन स्क्रू होते हैं, एक दो और तीन, इन तीनों स्क्रू को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम इस स्क्रू को रिमूव करेंगे। उसके बाद इस स्क्रू को रिमूव करेंगे। उसके बाद इस स्क्रू को रिमूव करेंगे। उसके बाद इस कवर को रिमूव करेंगे इस तरीके से। यानी ये लॉक देख रहे हैं ना आप, ये सेकंड BTR का लॉक है। इस लॉक को हम रिमूव करेंगे। उसके बाद इस साइड एक स्क्रू होता है, ये वाला, इस स्क्रू को रिमूव करके सेकंड BTR को हम इस तरीके से उठाएंगे। उससे पहले ये वाला लॉक निकालेंगे। ये जो आप प्लास्टिक का लॉक देख रहे हैं, ये वाला, इस तरीके इस लॉक को निकालेंगे। उसके बाद इस वाले लॉक को रिमूव करेंगे। ये जो व्हाइट लॉक देख रहे हैं ना, इसको फिंगर की मदद से ऐसे उठाएंगे और इस तरीके से इसको निकाल देंगे।